Okay, done. So, rolling? Okay. Rolling. You know, the very first thing, Dongri ka Raja, you know, title hi itna interesting hai ki bahut kuch Mumbai aur us shahar mein, you know, ek khas tabka raha hai uski yaad dilata hai. Kya kehna chahenge? How you got this idea? Tell us about it. डोंगरी का राजा से क्या है ना, मुंबई पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी, डोंगरी पे फिल्म बनना, डोंगरी टू दुबई, ये सारी मतलब किताब लिखी गई थी उसके ऊपर. बट ऐसा आइडिया जो हमारे राइटर मिस्टर मोहम्मद सलीम ने दिया कि क्यों ना हम उसमें लव स्टोरी डालें. तो क्राइम और लव स्टोरी एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है और ऑलवेज रहा है, उसको एक्सप्लोर करना था. तो इसीलिए टाइटल डोंगरी वॉज नॉट द राइट टाइटल, सिर्फ डोंगरी रखना, तो इसलिए उसमें हमने अपना हीरो का नाम ऐड कर दिया, तो इसलिए वो हो गया डोंगरी का राजा, एंड दैट्स हाउ द टाइटल वॉज बॉर्न. तो इतना कुछ बोलता है टाइटल, और अगर सिर्फ स्टैंड अलोन टाइटल हो तो भी आपको पता है कि ये फिल्म किसके बारे में है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइटल, एंड आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट फ्रॉम द टाइटल. ओके, जैसे आपने जिक्र किया, व्हेन वी टॉक अबाउट डोंगरी टू दुबई, यू नो, जैदी साहब, यस, द बुक, तो क्या इसमें कहीं वो बिना नाम लिए क्या उनके भी कुछ हिस्से होंगे जो हमें वहाँ ले जाएगा उस औरा में? बिल्कुल नहीं, ये आज की कहानी है, 2016 की कहानी है, वो कोई उस एरा में नहीं ले जाएगा, ना ही हमने कुछ एप करने की कोशिश की है. कम्प्लीटली एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई है, सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या एक्चुअल हकीकत है बेसिकली कि हमने डोंगरी में बेस की, दैट्स अबाउट इट. इतना ही रेलिवेंस है जैदी साहब की नॉवल से, बाकी का इट्स कम्प्लीटली एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड वैलिड इन 2016. हाँ, ओके, पहले तो लीड एक्टर लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, एंड वी वर प्रिटी श्योर. प्रोडक्शन हाउस, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो लिबर्टी देते हैं डायरेक्टर को कि नए स्टारकास्ट के साथ फिल्म बना. तो जब ये लिबर्टी मिली तो हमने ज़ीरो डाउन किया कश्मीर और रिचा पे, और उसके बाद ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाए. तो ऑफकोर्स रोहित रॉय केम इन टू माइंड टू प्ले मंसूर अली, और एक और ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बहुत वनरेबल हो, जो काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे, यू नो, उसने बहुत सारा काम किया है बट एक उसकी प्रेजेंस चाहिए थी. इसीलिए अश्मित पटेल जो सिद्धांत इंस्पेक्टर का रोल करता है, आई नीडेड दैट प्योरनेस एंड आई गॉट इट इन अश्मित. सो दिस इज हाउ द स्टार कास्ट वॉज बॉर्न इन टू द फिल्म. लव स्टोरीज की मैं बात करूँ, हर साल अनगिनत लव स्टोरी हॉलीवुड रिलीज करता है, और जिस तरह का जो, यू नो, आई हैवन सीन द ट्रेलर्स, बट यू नो, इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ सौगंध, वेयर राखी एंड मुकेश जी अपोजिट इच अदर, नाउ वी आर सीइंग अश्मित पटेल एंड रोनित अपोजिट, डज इट रिमाइंड अस ऑफ, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटीज होंगे, बट क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो आई हैव ग्रोन अप ऑन, तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है लाइब्रेरी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा. तो आई एम नॉट सेइंग क्या उसमें से कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली होंगे, बट द स्क्रिप्ट इज एब्सोल्युटली ओरिजिनल, एंड फुल क्रेडिट टू मिस्टर मोहम्मद सलीम टू राइट अ स्क्रिप्ट लाइक दिस. ही इज कंसीव्ड द स्टोरी, the screenplay and the dialogue, so hats off, and hats off to my producer Mr. P.S. Chatwal to give me this opportunity to actually make what I want. Okay, Varun sir, aapki sawal aapse, kyunki aapne kaha ki 2016 ki kahani hai, lekin Dongri ki agar main baat karu, us khaas jagah ki baat karu, ya khaas lehza hai wahan pe baat karne ka, ji haan, you know, kya usko bhi aapne bahut detailing mein दर्शाया है, बहुत ही सटल रखा है, क्योंकि क्या है, ऑल इंडिया को मुझे केटर करना है. डोंगरी खाली मुंबई की होके ना रह जाए, हिंदुस्तान में बताना है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सटल रखा. लेकिन जो हीरो के साथ के कैरेक्टर्स हैं उनमें वो लहजा है, वो आपको मिलेगा, लहजा बिल्कुल है, और मैंने कोशिश भी यही की है कि उनके थ्रू मैं डोंगरी को अलाइव रखूँ. तो यस, ऑफकोर्स देर इज़ अ बिट ऑफ दैट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.